सो वेलकम डी स्टूडेंट्स टू एन डी मैथ्स क्लासेस बाई डी बी सर तो बच्चों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू एंड इससे पहले फोर पॉइंट वन कंप्लीट हो चुका है और उससे पहले जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था चैप्टर का उसी इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर बेस्ड ये भी एक्सरसाइज है आपकी इससे पहले वाली भी इसी के ऊपर बेस्ड था तो so, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मस्ट टाइम पहले क्वेश्चन से तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन ओनली टू सोल्यूशंस या इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशंस तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा ये हमने यहाँ पे टिक करना है पहले आंसर बताना है उसके बाद उसके पीछे रीजन बताना है तो जाहिर सी बात है जैसे कि हमने कहा था पहले किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशंस होते हैं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको नोट भी कराया था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इन्फाइनइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं ठीक है तो इसका आंसर तो हो जाएगा इट विल हैव इन्फाइनटली मेनी सोल्यूशंस इसका पीछे रीजन हो जाएगा बिकॉज वाई इसका रीजन क्या होगा बिकॉज y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव रेप्रजेंट्स अ लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा लीनियर इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है लाइन को रेप्रजेंट रेप्रजेंट अ लाइन इन विच देयर आर देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं इन फाइनाइट पॉइंट इन फाइनाइट एंड एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑन द लाइन विल satisfy the given linear equation. Take a linear equation to satisfy karga point. Okay. So thus it will have it will have infinitely many solutions. Infinitely मैनी सोल्यूशंस तो ये हम वैसे भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में सारा डिस्कस कर चुके हैं ओके होप दिस इज क्लियर तो इस तरीके से आप लिख देंगे चल जाएगा ओके okay? इसका सेकेंड क्वेश्चन आप पकड़िए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है राइट फोर सोल्यूशंस फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंगवेशंस तो आपने फोर सोल्यूशंस लिखने हैं टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है, है. देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला पार्ट टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन आपका गिवन इक्वेशन ही टू वेरिएबल है ओके तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखते रहिए अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज आपको लगती हैं चलो हमने लिखा अपने मन से एक्स की जगह पर या वाई की जगह पर आप वैल्यू रखेंगे उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी सपोज़ कीजिए आपने एक्स की वैल्यू रखी कुछ भी अपने मन से तो वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके साथ आ जाएगी वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका जैसे हमने लिखा पुटिंग पुटिंग एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख दिया सपोज़ कीजिए इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन ठीक है तो एक्स की जगह पे जीरो लिखा तो टू इन जीरो ये बन गया आपका प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू सेवन तो टू जीरो या गया जीरो हो गया जीरो प्लस वाई इक्वल टू सेवन अब जीरो प्लस वाई का मतलब कितना हुआ वाई हुआ वाई इक्वल टू सेवन आ गया मीन्स एक्स की जगह पे जब हमने जीरो रखा तो वाई की जगह पे कितना आ गया सेवन ठीक है तो ये आपका हो गया देयरफॉर फोर जीरो कॉमा सेवन जीरो कॉमा सेवन मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो थी और वाई की वैल्यू कितनी आई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेवन आई तो जीरो कॉमा सेवन एक पॉइंट बन गया लाइन के ऊपर और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गई आपका जीरो कॉमा सेवन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन ठीक है वैसे ही आप पुटिंग चार सोल्यूशन दिखालें तो आप रखते रहिए पुटिंग एक्स इक्वल डोमिनेट कर सपोज वन रखा तो इन इक्वेशन वन ऐसे आप लैंग्वेज बनाते हुए लिखते रहिए तो क्या मिल जाएगा आपका टू इन टू एक्स की जगह आपने वन रखा प्लस वाई इक्वल टू सेवन आ गया टू वन या टू प्लस वाई इक्वल टू सेवन ओके टू को उस तरफ भेजिए सेवन माइनस टू फाइव हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई फाइव तो दैट मीन्स यहाँ से आपका आ गया एक्स की वैल्यू वन रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आई फाइव तो वन कॉम फाइव एक पॉइंट हो गया लाइन के ऊपर और ये इसका सॉल्यूशन हो गया वन कामा फाइव इज ऐ सॉल्यूशन ऑफ़ द गिवन इक्वेशन लिख दो या इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन लिख दो आपकी मर्जी है जैसे उस हमने इससे पहले लिखा था जीरो कोमा सेवन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन ठीक है वैसे आप पुटिंग एक्स इक्वल टू टू रख देते हैं इन इक्वेशन वन तो इन इक्वेशन वन में आपने लैंग्वेज वैसे लिखनी है बार बार लिखने में आप ये ठीक है आप समझ ही रहोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में जो लिखा है हमने वही आपने दोबारा लिखना है यहाँ पर पुटिंग एक्स इक्वल टू इन इक्वेशन वन तो रखिए आप इक्वेशन वन कहाँ था आपका टू एक्स प्लस वाई था तो टू इन टू एक्स की जगह पर टू रखा प्लस वाई इक्वल टू सेवन है तो टू टू या फोर प्लस वाई इक्वल टू सेवन आ गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर को इस तरफ भेजिए थ्री आ गया सेवन माइनस फोर थ्री ओके तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन uh, क्या बन जाएगा एक्स की वैल्यू टू थी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई क्या आई थ्री तो टू कॉमा थ्री इज आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और एक ले लीजिए थ्री ले लेते हैं तो पुटिंग एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन तो टू इन टू एक्स की जगह पर थ्री रखा प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया सेवन टू थ्री जैसा सिक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन और यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन सिक्स को उस तरह भेजने पर सेवन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा वन तो यहाँ से क्या बन गया सोल्यूशन एक्स की वैल्यू थ्री थी वाई की कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू वन आ गई तो ये आपका थ्री कॉमा वन इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आप लिख देंगे ठीक है तो चार सोल्यूशन हमारे आ चुके हैं पहला सोल्यूशन जीरो कामा सेवन था दूसरा सोल्यूशन वन कामा फाइव आया तीसरा सोल्यूशन टू कामा थ्री आया और चौथा सॉल्यूशन आ गया थ्री कामा वन ओके होप दिस इज क्लियर तो इसी टाइप से आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व करने चलो इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं एक बार सेकेंड पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं आपने यहाँ पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है आपको जैसे सेकेंड वाला इक्वेशन है आपका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो नाइन है तो इसमें रखते थे, थे एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू कितना आएगा देखिए आप तो पहले इक्वेशन में एक्स की जगह पे जीरो रखा तो आया पाई, तो पाई इंटू ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू नाइन है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई इंटू जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस वाई इक्वल टू नाइन ज़ीरो प्लस वाई आपको मतलब वाई हुआ इक्वल टू नाइन ठीक है तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन आ जाएगा कितना जीरो कॉमा नाइन जीरो कॉमा नाइन इज द इज अ सॉल्यूशन ऑफ़ द गिवन इक्वेशन उसके बाद फिर एक्स इक्वल टू वन रखा तो क्या आ जाएगा पाई इन टू एक्स की जगह पर वन रख दिया आपने प्लस वाई इक्वल टू नाइन तो पाई वन जा पाई प्लस वाई इक्वल टू नाइन पाई को उस तरफ भेजिए तो वाई इक्वल टू हो जाएगा नाइन माइनस पाई ठीक है तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया एक्स की जगह पर हमने वन रखा था तो उसके साथ y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई वाई नाइन माइनस पाई ये पूरा आ गया तो ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आप ऐसे लिख देंगे ठीक है वैसे आप x इक्वल टू टू रखिए तो x इक्वल टू टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई इंटू एक्स की जगह पे टू आ गया प्लस y इक्वल टू नाइन और ये बन गया आपका पाई इं टू टू क्या बन जाएगा टू पाई प्लस y इक्वल टू नाइन नाव टू पाई को उस तरफ भेजिए आप तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन माइनस टू पाई ओके तो उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा टू कॉमन नाइन माइनस टू पाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ठीक है और वैसे ही आप x इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई इंटू थ्री प्लस वाई इक्वल टू नाइन तो कितना आ गया थ्री पाई प्लस वाई इक्वल टू नाइन आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई इक्वल टू नाइन माइनस थ्री पाई तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा मीन्स पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ से आ जाएगा थ्री कॉमा नाइन माइनस थ्री पाई इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या गिवन इक्वेशन लिख दो तब भी चलेगा ओके होप दिस इज क्लियर तो इस तरीके से आपने करने हैं सारे के इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एक ही पार्ट बचा है इसको खुद ट्राई कीजिएगा ओके okay? यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो रखूंगा थर्ड पे तो वाई फोर वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर फोर को अपॉन भेज देंगे तो जीरो अपॉन फोर कितना हो जाएगा जीरो तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई दैट मीन्स जीरो कॉमा जीरो एक सोल्यूशन बन गया वैसे आप एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो फोर वाई ऐसे आ जाएगा फोर को अपॉन भेजिए वन अपॉन फोर इक्वल टू वाई आ गया दैट मीन्स यहाँ से एक्स की जगह पर वन रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आई वन बाई फोर तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया तो वैसे ही आप अदर सोल्यूशन इसके फाइंड कर लेंगे ठीक है तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं चेक विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ़ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर एंड विच आर नॉट तो चेक करना है तो चेक करने के लिए हमने जैसे भी कहा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जब कोई पॉइंट किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए ठीक है तो अब क्या किया हमने वन जीरो कॉमा टू को चेक कर रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट अब लिखा हमने पुटिंग uh, जीरो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का टू है तो वाई इक्वल टू टू इन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर वी गेट वी गेट लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में रखिए राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका एक्स एक्स की जगह पर जीरो रखा माइनस टू इन वाई y की जगह पे क्या रखा टू रखा तो कितना आ रहा है आपका जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर जो कि आपका आर एच एस के बराबर नहीं है आर एच एस क्या था फोर था तो विच इज़ नॉट इक्वल टू फोर दैट मीन्स आर एच एस हम लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में विच इज नॉट इक्वल टू फोर आर एच एस ओके सो देयर फॉर ज़ीरो कॉमार टू इज़ नॉट अ सॉल्यूशन नॉट अ solution ऑफ द given equation ऑफ द given equation इस टाइप से आपने लिख दिया ठीक है वैसे आप इसका सेकेंड पार्ट चेक कर है सकते हैं टू कॉमा जीरो तो टू कॉमा जीरो बनेगा नहीं मैंने चेक कर लीजिए वैसे टू कॉमा जीरो भी इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि एक्स की जगह पर टू रखूँगा और वाई की जगह पर ज़ीरो रखूँगा तो कितना आ जाएगा टू माइनस टू इंटू ज़ीरो जीरो इक्वल टू टू आ रहा है जो कि फोर के बराबर आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू फोर ठीक है तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा मीन्स टू कामा जीरो भी इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा उसके बाद आपका क्या है फोर कॉमा जीरो तो फोर कॉमा जीरो इसका सॉल्यूशन होगा देखिए आप अब हमने क्या किया पुटिंग एक्स कोऑर्डिनेट किया है फोर एक्स इक्वल टू फोर और वाई कोऑर्डिनेट किया है पॉइंट का जीरो है वाई इक्वल टू ज़ीरो इन एल एच एस लेफ्ट एंड साइड ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर वी गेट वी गेट क्या एक्स फोर था माइनस टू इंटू वाई की जगह पर जीरो रखना था तो कितना आ रहा है सॉल्व करके फोर माइनस टू जीरो जीरो फोर आ गया जो कि इक्वल है आर एच एस के बराबर तो आर एच एस भी फोर ही था आपका सो देर फोर फोर फॉर्मा जीरो इज अ solution इज अ solution ऑफ द गिवन equation इस टाइप से आप लिख देंगे ठीक है आपने चेक कर लिया बस सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा है सेटिस्फाई होगा तो वो जरूर आर एच इसके बराबर आएगा ठीक है इन द सेम मैनर फोर्थ वाला पार्ट इसका है जैसे फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका ये पॉइंट पूरा गिवन है तो यहाँ पर एक्स कोर्डिनेट आपका ये एक्स हो गया ये वाई कोर्डिनेट हो गया अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा देखिए अब लैंग्वेज तो आपको पता ही चल गई कैसे लिखनी है अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यू पुट अप की लेफ्ट हैंड साइड आपका था एक्स माइनस टू वाई तो एक्स की जगह पे रूट टू लिखा ठीक है एक्स की जगह पे रूट टू लिखा माइनस टू इंटू वाई वाई की जगह पे फोर रूट टू लिख दिया ओके okay. वाई की जगह पर फोर रूट टू लिख दिया <coughs> तो उसको सॉल्व कीजिए रूट टू माइनस टू फोर जहाट एट रूट टू हो जाएगा रूट टू माइनस एट रूट टू कितना बन जाएगा मीन्स यहाँ पे रूट टू के आगे कुछ भी नहीं तो वन होगा वन रूट टू माइनस एट रू टू क्या हो जाएगा तो वन और एट को घटा देंगे कितना गया माइनस सेवन तो माइनस सेवन रूट टू आपका ये बन गया विच इज नॉट इक्वल टू आर एच एस मीन्स फोर के बराबर नहीं आ रहे है. कहने का मतलब ये है आर एच एस में क्या था इसका इक्वेशन में फोर है तो फोर के बराबर आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है सो देआर फोर रूट टू कॉम फोर रूट टू इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन ओके इस तरीके से आप लिख देंगे अब चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट में फोर्थ वाले में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ये तो के की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू वन एक सॉल्यूशन है किसका इस गिवन लीनियर इक्वेशन का तो ये ऑलरेडी गिवन है कि सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू टू अमा वाई इक्वल टू वन इज अ सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या था टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के सो दियर फॉर एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू वन विल सेटिस्फाई सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन तो गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे सो दियर फॉर अब रख देते फिर एक्स की जगह पे टू रख देते हैं तो टू इन टू एक्स की जगह पे टू रखा और वाई की जगह पे क्या रखा वाई की जगह पे वन रख दिया और ये सेटिस्फाई होगा दैट मीन्स ये आर एच एस के बराबर जरूर आएगा विल भी इक्वल टू के ठीक है ऐसा नहीं कि नॉट इक्वल टू किया आएगा बिकॉज ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली बने रहेंगे तो यहाँ इक्वली आएगा इन वैल्यूज़ को पुट अप करने पर तो यहाँ पे कितना आ गया टू टू जा फोर प्लस थ्री वन जा थ्री इक्वल टू के दैट मीन्स वट यू आर गेटिंग फोर प्लस थ्री सेवन सेवन इक्वल टू के टू के की वैल्यू आ गई आपकी सेवन ओके इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज फोर पॉइंट थ्री सो थैंक यू फॉर टूडेज क्लास